आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा और आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क साइड ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। इंडिया के लोगों के मुताबिक स्कूल चलाना एक सामाजिक कार्य है जिसमें कोई भी संस्था या कोई भी इंसान पैसा कमा के अपने घर में नहीं ले जा सकता, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल्स ने इसको बिजनेस बना दिया है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है जहाँ से इतना ज्यादा पैसा जनरेट किया जा रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते। स्कूल की टाई बेल्ट से लेके बुक्स तक हर चीज आपको स्कूल से लेनी पड़ेगी। स्कूल्स के नाम पर ये सब चीजें आपको बेची जा रही है, लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है तो उसके लिए आपको प्राइवेट ट्यूशन लगाना पड़ेगा। इतने महंगे स्कूल में पढ़ाकर इतने में ज्यादा पैसे फूकने के बाद पेरेंट्स को अलग से ट्यूशन लगवाना पड़ रहा है जहां पर बच्चा स्कूल से ज्यादा ट्यूशन में ज्यादा सीख रहा है। जो पढ़ाई बच्चों को स्कूल में समझ नहीं आ रही वो पढ़ाई इनको ट्यूशन में जाके समझ में आ रही है। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर स्कूल के बाद में अपने कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं और वो बच्चों को मजबूर करते हैं कि वो उनके यहाँ पर ट्यूशन पढ़े। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें तो केवल बच्चों को परेशान करने के लिए बनाई गई। हिस्ट्री की बुक्स इतनी मोटी मोटी हैं, उनमें कुछ चीजें इतनी फालतू की डाली हुई है कि बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती पढ़ाई जाती है। जो चीजें हम गूगल से पता कर सकते हैं उनको भी हमें रटना पड़ता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन इसका आज तक कहाँ पे यूज होता है आप लोगों में से 90% को नहीं पता होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल केवल नाम के इंग्लिश मीडियम होता है। बड़ी सिटियों को छोड़ दें, छोटी सिटीज में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक सारी बुक्स इंग्लिश में होती है। बच्चे की पढ़ाई सारी इंग्लिश में होती है, लेकिन बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए बाहर से किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना पड़ता है। स्कूल्स के अंदर ड्रेस बनाई गई ताकि सारे बच्चे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, सबके सब समान हो, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन हर प्राइवेट स्कूल ने अपनी यूनिफॉर्म अलग अलग बनाई हुई है। बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर शिफ्ट करना चाहता है तो उसको नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, वो भी उसी स्कूल से। बच्चा स्कूल जाता है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन मीन्स गेनिंग नॉलेज, लेकिन नॉलेज लेने के लिए उसे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ रहा है। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हजारों कोचिंग सेंटर हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात तो बहुत दूर की रही। बच्चे पूरी तरह से कोचिंग सेंटर्स पर डिपेंड हो चुके हैं। स्कूल नई नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं माँ बाप से पैसा निकालने के लिए, कभी एनुअल फंक्शन के नाम पे, कभी सोशल प्रोग्राम के लिए, कभी जनरल अवेयरनेस के लिए, कभी पिकनिक के लिए। नए नए तरीके निकालते हैं ताकि माँ बाप से पैसा निकाला जा सके। एक प्रोग्राम के 1500 से लेकर 2000 रुपए तक निकाले जाते हैं। आप लगा लो एक स्कूल में अगर 600 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, तो कितना पैसा इन छोटे छोटे प्रोग्राम से जनरेट किया जाता है। अलग अलग डिमांड की जाती है माँ बाप से पैसा निकालने के लिए, और जब बच्चे फीस नहीं दे पाते, वो पैसा टाइम पर नहीं दे पाते, तो उन बच्चों को पूरी क्लास के सामने जलील किया जाता है। कभी कभी उनको प्रेयर में बाहर निकाल दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। आप सोचो जो बच्चा अपना करियर बनाने के लिए स्कूल में जा रहा है वो उसके दिमाग पर कितना असर पड़ता होगा। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बने, वो एजुकेटेड हो, वो समाज में एक अपना अलग मुकाम बनाए, लेकिन केवल फीस ना जमा करने की वजह से उसे इतना जलील किया जाता है कि जिस एज में बच्चे का दिमाग डेवलप होता है उस एज में बच्चे को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस गिर के जमीन पर गिर जाता है। पनिशमेंट के नाम पे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो किया जा रहा है। सोच के देखो कि बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता होगा। पूरी क्लास के सामने 4 बच्चों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया कि इनके पेरेंट्स ने इनकी फीस जमा नहीं करी। केवल फीस के लिए बच्चों को एग्जाम देने से रोक दिया जाता है। एग्जाम हॉल में बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसे इतना जलील कर दिया जाए, उसे एग्जाम देने से रोक दिया जाए, तो बच्चा एग्जाम के अंदर बैठ के क्या लिखेगा। आजकल ट्रेंड ये बन गया है कि अगर हम सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, लोग सोचेंगे कि इसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। लेकिन वही बच्चा जब गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम क्लियर करता है तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, क्योंकि अब वो पढ़ाए ना पढ़ाए लेकिन उसकी सैलरी तो आती रहेगी। छोटे बच्चे ने थोड़ी सी जिद करी, माँ बाप उसको फोन पकड़ा दे ताकि उसके साथ टाइम स्पेंड करना ना पड़े, ताकि उसको सिखाना ना पड़े, उसके साथ खेलना ना पड़े। सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई एक दूसरे की वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप पूरे इंडिया में घूम लो, कुछ ही बच्चे मिलेंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, और वो स्मार्टफोन में क्या क्या देख रहे हैं आप लोगों को खुद नहीं पता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लोग 5 से 6 घंटे अपने फोन में बिता रहे हैं। जब बच्चे 5 से 6 घंटे कुछ चीज लगातार देखेंगे तो वो चीज उनके दिमाग पर कितना इम्पैक्ट डालेगी आप सोच सकते हो। वो वही सोचेंगे जो उनको चीजें दिख रही है, उनका दिमाग उसी तरह से सेटअप होगा, उनका दिमाग उसी तरह से सोचेगा, और वो वही बनना चाहेंगे। 10 से 12 साल की बच्ची सोशल मीडिया पे डांस कर रही है कि ऐसे अश्लील गाने के ऊपर जिसको उसका वर्ड्स का मतलब नहीं पता, और उनके माँ बाप खुश होकर उनको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, लाखों में लाइक्स आ रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उनके बच्चे फेमस हो। स्कूल जाते टाइम और जितना बच्चा स्कूल में टाइम बिताता है उसमें बच्चे को केवल ये लगा रहता है किसी तरह से वो घर पहुंचे, अपने हाथ में फोन ले और वो ये सब चीजें देखे, और इस सब के लिए स्कूल से ज्यादा पेरेंट्स को जिम्मेदार है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा है। और मजे की बात देखो, ऐसी वीडियोस देखकर हम खुद लोग उनको शेयर करते हैं। इस सब के लिए हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स, सोसाइटी और स्कूल्स ने मिलकर पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना दिया कि बच्चे पढ़ाई से ज्यादा फालतू की चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब का बच्चों के दिमाग पर इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो वही सोचते हैं जो उनको चीजें दिखती हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया एक वेपन की तरह काम कर रहे हैं बच्चों को बर्बाद करने के लिए। टीवी पे आने वाले प्रोग्राम, मूवीज और हमारे न्यूज चैनल आजकल इतने बेकार हो चुके हैं कि बच्चे उनसे कुछ नहीं सीख सकते। आजकल आप न्यूज चैनल उठा के देखो, वहां पर आपको पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और रशियन वॉर के अलावा कुछ चीजें नजर नहीं आएंगी। उन चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि वो न्यूज से ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ज्यादा बन चुके हैं।
इंडियन न्यूज का लेवल ये हो चुका है कि हमारा देश के लोग पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पर उनके बारे में न्यूज में कुछ नहीं दिखाया जाता। उनका एक भी इंटरव्यू आपको टीवी पे देखने को नहीं मिला होगा। टीवी में देखने को मिल के आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना बोल्ड फोटो शूट कराया। अरब जगत के आसमान पर मंडराती खूंखार दैत्यों का वायरल सच, और उनको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि बच्चे न्यूज चैनल से क्या सीखेंगे आप खुद ही सोच सकते हो। एजुकेशन का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि कोचिंग सेंटर, कोचिंग क्लासेस, इन सबको एक स्ट्रेटेजी के तहत बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाता है। सोशल मीडिया पे जो टीचर्स आपको बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, आप एक बार उनके कोचिंग सेंटर्स की फीस जाके पता करो, वो लाखों में है। और ये सब चीजें तभी सुधरेंगी जब हम लोग खुद सुधरेंगे, हम लोग खुद प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर और इन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। माँ बाप को खुद सबसे पहले अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, वो क्या इकोसिस्टम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो क्या एटमोसफेयर अपने बच्चों को दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे मोबाइल फोन छीन लो, उनको मोबाइल फोन के यूज दिखाओ कि किस तरह से वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ चल सकते हैं। इन स्कूल्स को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब ये स्कूल्स अपनी मनमानी फीस बढ़ाते हैं, कुछ लोग जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो लोग एक मिनट में पैसा निकाल के दे देते हैं, और इन सो कॉल्ड लोगों की वजह से दूसरे लोगों की मजबूरी बन जाती है उनको पूरी फीस जमा करने के लिए, क्योंकि अगर वो फीस जमा नहीं करेंगे तो उनके स्कूल में उनके बच्चे की बेइज्जती होगी। हम लोग पूरे एजुकेशन सिस्टम को गलत ठहराते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे घर से होती है, क्योंकि लोग पहले से बेहतर कमा रहे और अपने बच्चों को बेहतर सहूलियत देना चाहते हैं, और इसी वजह से वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते और वो टोटल जिम्मेदारी स्कूल्स के टीचर्स और स्कूल की हो जाती है। माँ बाप का भी एक फैशन बन गया अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाना, ताकि सोसाइटी में उनकी इमेज बने। अगर बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो उनकी सोसाइटी में कोई इमेज नहीं रहेगी। ये सब चीजें तभी ठीक हो सकती है जब हम खुद को ठीक करेंगे। हम लोग स्कूल्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे, हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ताकि प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स के ऊपर कोई लॉज बने। और इस सब में बदलाव तब आएगा जब पेरेंट्स खुद ध्यान देंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या स्टेप्स हमारे समाज और गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।